मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है और इसी बीच देर रात को हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजरायली क्षेत्र की ओर दर्जनों रॉकेट दागे। इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि इसमें से केवल 5 रॉकेट ही इजरायल में प्रवेश कर सके। हालांकि किसी नुकसान या घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। इजरायल की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह ने पश्चिमी गलील पर रॉकेट हमले की जिम्मेदारी ली है। बेरूत में आतंकवादी समूह के सैन्य प्रमुख की हत्या के बाद 48 घंटों से अधिक समय में ये पहला हमला है। एक बयान में हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने लेबनानी गांव चामा में एक इजरायली हमले के जवाब में उत्तरी सीमा समुदाय मेरजुवा पर दर्जनों रॉकेट लॉन्च किए। चामा में हमले में कथित तौर पर 4 सीरियाई मारे गए और कई लेबनानी नागरिक घायल हो गए। वहीं टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार जवाब में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के एटर में एक हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर पर हमला किया, जिसका इस्तेमाल पश्चिमी गलील में गोलीबारी के लिए किया जा रहा था। IDF के अनुसार हमले में लॉन्च किए गए कई रॉकेटों को हवाई सुरक्षा द्वारा रोक दिया गया, जबकि अन्य ने खुले क्षेत्रों को प्रभावित किया। IDF का कहना है कि हमले के थोड़ी देर बाद येटर में लॉन्चर पर हमला हो गया। इससे पहले IDF ने कहा कि उसने खतरों को दूर करने के लिए दक्षिणी लेबनान के रमीश और रामयेह के पास के इलाकों में तोपखाने से गोलीबारी की। IDF ने कहा कि पश्चिमी गलील क्षेत्र में सक्रिय किए गए अलर्ट के बाद लेबनान से आए कई मिसाइलों का पता चला और उनमें से कुछ को रोक दिया गया, बाकी खुले इलाकों में गिर गए, कोई हताहत नहीं हुआ। इसमें कहा गया कि सर्कल को तेजी से बंद करते हुए वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के लॉन्चर पर हमला किया, जहां से दक्षिणी लेबनान के अतर क्षेत्र से लॉन्च का पता चला था। इसराइल द्वारा शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शिफ्ट को मारे जाने के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया, जिसके बारे में उसका कहना है कि गोलन हाइट्स में हुए हमले के प्रतिशोध में था, जिसमें 12 बच्चे मारे गए थे। IDF ने बयान में कहा कि सबसे वरिष्ठ हिजबुल्लाह सैन्य कमांडर फुआद शिफ्ट इजरायली हमले में मारा गया। वहीं इसराइल रक्षा बलों ने यह भी घोषणा की कि हमास के सैन्य विंग कमांडर मोहम्मद दीफ 13 जुलाई को दक्षिणी गाजा पट्टी में हवाई हमले में मारे गए थे। बुधवार को इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उनके देश ने पिछले कुछ दिनों में दुश्मनों को करारा झटका दिया है। उन्होंने ये टिप्पणी हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिये और वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शिफ्ट की मौत के कुछ घंटों बाद की। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बुधवार को कहा कि ईरान की राजधानी तेहरान में एक हमले में हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिये के मारे जाने के एक दिन बाद डेफ के बारे में इसराइल की पुष्टि हुई।